और गाइस यार आ गए आप सब लोग। और गाइस यार आज ना मैं जा रहा हूँ भाई स्टॉक मेंशन मतलब आयरन मैन वगैरह के पास, क्योंकि गाइस यार आज ना हमारे स्पाइडरमैन का बर्थडे है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़े वाली पार्टी चल रही है। ये देख रहे हो गाइस कैफे नाच रहे हैं, हल्क तोड़ेगा तोड़ देगा नाच नाच के सारा स्टेज। अरे नाचो देखो कितने सारे केक्स है। अरे बापरे गाइस यार कितने सारे केक्स आ गए हैं। और शिनचैन भाई फुल डुमके मटका रहा है। अय्या फेंक बे, तुम्हें तो बुलाया भी नहीं था, तुम बिन बुलाए मेहमान हो। अबे क्या मेरे को तो भाई सुबह ही कॉल आ गया था, इसलिए तो मैंने तुम दोनों को भेजा था। अरे वाह फ्रैंकली ना वाह नाचो आज हमारे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन का बर्थडे है। अरे हाँ भाई नाचेंगे और गाइस यार केक भी खाएंगे। गाइस देख रहे हो यहाँ पे भाई यार और डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन वगैरह सब है और थोर भी है। और इनकी कसम नाचो सारे जी भर के। अरे हाँ नाचो। ओ भाई आज तो गाइस यार पहली बार मैं कैप्टन अमेरिका का भाई डांस देख रहा हूँ। और देख रहे हो गाइस हमारे कैप्टन अमेरिका भी कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं। चलो गाइस यार अब कलवे अभी खाएंगे भाई केक खाएंगे। अरे हाँ केक तो खाएंगे ही ना। अभी गाइस मैं भी नाचने लगता हूँ और गाइस यार फुल बर्थडे पार्टी एंजॉय करेंगे और उसके बाद तो स्पाइडरमैन हमें घुमाने भी लेके जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल आओ नाचो। अरे हाँ नाच रहा हूँ रुक जा। भैया फेंक भी ये क्या हो रहा है। अबे यार एकदम से ये क्या हो रहा है गाइस, पत्थर कहाँ से गिर रहे हैं। अब कलवे ये क्या हो रहा है। ओ बाप रे गाइस यार स्टॉक मेंशन में पत्थर कहाँ से गिरने लग गए। भैया फेंक भी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे गाइस यार आपको कुछ समझ आ रहा है क्या। अरे यार ये तो गाइस हमारे पूरे के पूरे मेंशन पे भाई ये टोनी स्टॉक को भाई पत्थर ही पत्थर पड़ रहे हैं। ओ बाप रे भैया फेंक भी ये क्या हो रहा है। अरे यार एकदम से बर्फ कैसे पड़ गई पूरे लॉस सैंटोस में। और गाइस यार ये पत्थर कहाँ से गिर रहे हैं। ओ बाप रे गाइस यार एक बार आसमान में देखो कितने सारे पत्थर गिर रहे हैं। अबे ये क्या हो रहा है शिनचैन। अय्या फेंक भी पता नहीं। अरे बाप रे गाइस ये तो क्या हो रहा है पूरा लॉस सैंटोस ऐसे तो खत्म हो जाएगा। अरे यार ये आसमान में से गाइस ये क्या टपक रहा है। और गाइस यार हमारे सारे एवेंजर कहाँ गए। अरे हल्क आयरन मैन खड़े हो वहाँ पे। अरे ये क्या हो गया। अबे हल्क खड़ा हो, हल्क फोड़ेगा, हल्क का सर फट गया है। अरे गाइस यार ये क्या, अरे बाप रे गाइस यार ये क्या हो रहा है पूरे भाई इनके पूरे के पूरे एवेंजर्स टावर पे गाइस मीटरोड पे मीटरोड गिरे जा रहे हैं। और भाई ये क्या हो रहा है गाइस यार सारे के सारे एवेंजर मर गए क्या, मैं बचा हूं बड़ी मुश्किल से। चलो अंदर चलता हूं। अरे हेलो आयरन मैन तू ठीक है ना। और फ्रैंकलिन तुम कहां हो। अबे मैं अंदर हूं अंदर। गाइस यार ये क्या हुआ, सारे के सारे एवेंजर्स मर गए क्या। अरे हां लगता तो ऐसे ही। ये क्या हुआ, एकदम से मीटरोड कैसे बंद हो गए और हमारे पूरे लॉस सैंटोस में बर्फ कैसे पड़ रही है जुलाई के महीने में। अरे यार वो तो मेरे को भी नहीं पता गाइस यार, अभी तो इतनी गर्मी हो रही थी एकदम से यहां पे बर्फ कैसे पड़ गई। ओबे भाई आयरन मैन तू कैसे बच गया। अरे मैंने अपने नैनो टेक्नोलॉजी से सूट पहन लिया था इसलिए बच गया। अरे बाप रे गाइस बाकी के सारे एवेंजर मर गए क्या। अरे हां लगता तो ऐसे ही, शिनचैन और चॉप भी मर गए। अबे क्या शिनचैन और चॉप भी मर गए। अरे हां फ्रैंकलिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, जल्दी आओ मेरे साथ। अरे गाइस यार मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या हुआ एकदम से, बाकी के सारे एवेंजर मर चुके हैं क्या। अरे बाप रे गाइस हम तो बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे ना, एकदम से पता नहीं क्या हुआ। अरे गाइस ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर यहां क्यों आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन मुझे नहीं पता ये यहां पे ना गिर जाए। अरे बाप रे गाइस ये क्या हो रहा है पूरे लॉस सैंटोस में। अरे यार चलो फटाफट बाहर चलता हूं। अबे ये क्या हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन ये क्या दोबारा मीटरोड गिर रहा है। अरे गाइस यार ये क्या दोबारा मीटरोड कहां से गिर रहा है। अरे यार फ्रैंकलिन अबे मेरे को बचा आयरन मैन, अरे मैं कैसे बचाऊं। अरे बाप रे कितने गंदे गिर रहे हैं। अरे बाप रे, अरे भागो। अरे भाग जल्दी भाग जल्दी भाग। अरे रुको मेरे साथ भागो। अरे बाप रे गाइस यार अभी आयरन मैन ने अपने सूट से मेरे को अटैच कर लिया। अरे भाग जल्दी भाग। अरे हाँ भाग रहे ये क्या पूरे लॉस सैंटोस में इस महीने में बर्फ कहां से पड़ गई। अरे वो तो मेरे को भी नहीं पता लग रहा। और गाइस यार आप ऊपर देख सकते हो आसमान में कितने सारे मीटरोइड्स गिर रहे हैं। अरे भाई भाग आयरन मैन भाग। और अबे भाई अबे आयरन मैन वो क्या है सामने। अरे वो इतने सारे कोट्स क्या कर रहे हैं वहां पे। अरे वो तो मेरे को भी नहीं पता। और गाइस यार एकदम से पूरे लॉस सैंटोस में बर्फ पड़ चुकी है, आसमान से मीटरोइड्स पे मीटरोइड्स गिर जा रहे हैं। अरे देख के चल भाई देख के चल, अगर एक आधा मीटरोइड हमारे ऊपर गिर गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। और बाप रे गाइस इतने सारे गोट्स यहां पे क्या कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन मुझे क्या पता। गाइस यार एकदम से पूरी धरती का तापमान बिगड़ चुका है, कहीं यार गाइस गर्मी पड़ रही है तो कहीं इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। और गाइस यार ये सड़क पे इतने सारे गोट्स क्या कर रहे हैं जिनके ऊपर गाइस बर्फ जम चुकी है। ओ बाप रे, अबे आयरन मैन ये तो ऑल फादर है ना, ऑल फादर गॉड। अरे हां ये तो ऑल फादर गॉड है। अरे तुम लोग यहां क्या कर रहे हो, इधर तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, हमारे सन गॉड और आइस गॉड मर चुके हैं और तुम लोग मजे ले रहे हो। अरे क्या सन गॉड और आइस गॉड मर चुके हैं। अरे हाँ नीचे देखो। अरे बाप रे ये कौन है। अरे फ्रैंकलिन ये तो सन गॉड और आइस गॉड है। अरे बाप रे गाइस ये क्या हुआ, सन गॉड और आइस गॉड को क्या हो गया, एक मिनट रुको। अबे चलो नीचे चलो। अरे हाँ फ्रैंकलिन मेरे साथ ही रहना। अरे पापा जी खड़े हो जाओ, पापा जी मेरी परवरिश कौन करेगा पापा जी। अरे बाप रे गाइस ये तो गाइस सन गॉड का
का बेटा है ना। अरे ये तो कितना छोटा है। अरे पापा जी खड़े हो जाओ। मेरे पापा जी को किसने मार दिया? अले मेरे पापा जी को भी मार दिया। अले मेरे पापा जी खड़े हो जाओ। ओ बाप रे, ये गाइस आइस गोट का बेटा है जो कि गाइस अभी 5 साल का है और वो भी 5 साल का बेबी है। अरे गाइस यार, इन दोनों के पापा को किसने मार दिया? अरे बाप रे गाइस, देख रहे हो इनका शरीर देखो कितना बड़ा है और इनके बच्चे अभी 5-5 साल के हैं, वो भी गाइस कितने बड़े हैं। अले मेरे पापा जी को कला कर दो, मेरे पापा जी को कला कर दो भाई, प्लीज मेरे पापा को कला कर दो। अरे ऐसे कैसे खड़ा कर देंगे हम तेरे पापा को? अरे बाप रे गाइस, इनके पापा को तो भाई पता नहीं क्या हुआ है। अरे यार अब क्या करें, इनको दोबारा खड़ा कैसे करें? अरे मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा आयरन मैन। अरे समझ तो मेरे को भी नहीं आ रहा। अरे इधर आओ तुम दोनों मेरे पास काटनो। अरे क्या आपके पास आए? अबे चल चल आयरन मैन, चल इसके ओल्ड फादर के पास चल। अरे हाँ चल रहा हूँ। बोलो बोलो ओल्ड फादर गॉड, बोलो जल्दी क्या करें? अगर ये लोग खड़े नहीं हुए तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसी ठंड बढ़ती रहेगी और पूरा लॉस सैंटोस खत्म हो जाएगा, इंसानियत का नाम मिट जाएगा। अबे हाँ वही तो तुम्हें कह रहा हूँ, तुम लोगों को इसको खड़ा करना है तो तुम दोनों को इनके दिमाग में जाना पड़ेगा और वो चीज करनी पड़ेगी। अरे क्या इनके दिमाग में जाना पड़ेगा? गाइस यार हम अर्थ गॉड और सन गॉड के मुंह के अंदर जाएंगे क्या? ये लगता है गाइस जो गर्मी के साथ ठंड पड़ रही है ना, और जो वो आग के गोले बरस रहे हैं वो ये इसलिए बरस रहे हैं। अरे चल भाई चल आयरन मैन, जल्दी से इनके दिमाग में चल। अरे हाँ चलो चलो फटाफट चलो इसके दिमाग में। मैं जा रहा हूँ आइस गॉड के दिमाग में, तुम जाओ सन गॉड के दिमाग में। अबे हाँ रोक रोक रोक, चलो गाइस यार मैं जाता हूँ जल्दी से सन गॉड के दिमाग में। अबे जा तू आइस गॉड के दिमाग में जाना। अरे हाँ मैं तो जाता हूँ फ्रैंकलिन, पहले तुम तो जाओ। अरे हाँ जा रहा हूँ, रुक जा। अभी चलो चलो गाइस यार फटाफट से सन गॉड के दिमाग में चलते हैं। और गाइस यार आपको तो पता ही है कि सन गॉड हमारे कितने गर्म होते हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर बर्फ पड़ चुकी है ना, और इनकी आंखों में भी बर्फ घुस चुकी है, इसलिए गाइस ये कितने ज्यादा ठंडे हैं। अरे यार तू रो मत बेटा, रो मत, मैं तेरे पापा को दोबारा ठीक कर दूंगा। अरे मेरे पापा को ठीक कर दो रे, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरे पापा को ठीक करो। अरे तू रो मत। अभी रुको गाइस यार, चलो चलो सन गॉड का बेटा रो रो के भाई बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। अरे जल्दी जल्दी इसके दिमाग में चलते हैं और देखते हैं गाइस क्या करना पड़ेगा। लेट्स गो अभी फटाफट इसके दिमाग में चलते हैं। अरे चल भाई चल आयरन मैन, मैं जा रहा हूँ इसके मुंह के अंदर और इसके मुंह के अंदर से इसके दिमाग में चला जाऊंगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। अबे हाँ जा। चलो गाइस यार, अरे बाप रे ये मैं ऊपर क्यों चढ़ गया? लेट्स गो 1 2 3। अरे ये गया मैं इसके मुंह के अंदर और जाऊंगा अब दिमाग के अंदर। अरे बाप रे आ गया लगता है गाइस। अरे यार यहाँ पे तो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अरे मैं तो जल जाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन क्या है वहाँ पे? अरे यार यहाँ पे तो गर्मी है। अरे बाप रे गाइस यार यहाँ पे तो एक कागज है, रुको रुको फटाफट इसको पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अरे चलो फ्रैंकलिन गया उसके मुंह में, अभी मैं भी जाता हूँ इस वाले आइस गॉड के मुंह में। अरे हाँ जल्दी जा। अभी गाइस यार चलो ये जा रहा है भाई आयरन मैन भी। अरे बाप रे गाइस यहाँ पे तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है इसको। अरे बाप रे यहाँ तो कसम से बहुत ठंड है, इसके पूरे मुंह में बर्फ ही बर्फ है। अरे क्या है यहाँ पे, कोई पर्चा वर्चा नहीं है? अरे ढूंढ, ऐसा नहीं हो सकता, पर्चा नहीं मिलेगा तो तू टास्क कैसे पूरा करेगा? अरे हाँ एक मिनट रुको। अरे यार इस साइड पे तो नहीं है कुछ भी, एक मिनट रुको। अरे ये रहा अभी मिल गया, पढ़ो फ्रैंकलिन तुम पढ़ो पहले, तुम्हारे को क्या है? अरे हाँ पढ़ रहा हूँ। चलो गाइस यार फटाफट पढ़ते हैं कि इस वाले पेपर में क्या क्या टास्क लिखे हैं, एक मिनट रुको। अरे बाप रे गाइस यार ये कैसे कैसे टास्क लिखे हैं। अरे बाप रे, स्टीलिंग ब्लैक स्टार गॉड एलिमेंटल पावर्स फ्रॉम रिवाइव सन गॉड। अरे बाप रे हम गाइस यार ब्लैक स्टार गॉड की एलिमेंटल पावर्स को कैसे चोरी करेंगे? अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अरे फ्रैंकलिन हम दोनों को पूरे मिलकर अर्थ की पूरी बर्फ को पिघलाना पड़ेगा। अबे क्या ये तो काफी ज्यादा हार्ड टास्क है बे। अरे हाँ फ्रैंकलिन अब क्या कर सकते हैं? और तुम्हारे को क्या मिला है? अरे भाई मेरे को तो उससे भी ज्यादा खतरनाक मिला है कि मेरे को ब्लैक स्टार गॉड की एलिमेंटल पावर्स को चुरा के लाना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन हम दोनों ये मिल के काम करेंगे, चल मेरे साथ। अरे लेकिन टोनी स्टार्क हम ये पूरे के पूरे लॉस सैंटोस की बर्फ को कैसे हटाएंगे? अरे फ्रैंकलिन उसके लिए मैंने दिमाग लगा लिया है, हमें जरूरत पड़ेगी फायर गॉड की। अरे क्या फायर गॉड की? अबे तू कहाँ गया है? ये देखो फ्रैंकलिन ये रहा फायर गॉड। अरे भाई नाचो कितनी मजा आ रही है ठंड में तो। अरे गाइस यार ये पागल है क्या फायर गॉड? अगर गाइस ऐसे ठंड जमती रहे तो ये फायर गॉड भी जम जाएगा और गाइस यार ये तो पूरा लॉस सैंटोस खत्म हो जाएगा। अरे यार ये हमारी मदद क्यों करेगा? अरे रुको तुम यहीं पे रहो, मैं इससे बात करके आता हूँ। अबे हाँ जा बात कर। गाइस यार अभी हमें ब्लैक स्टार गॉड के पास भी जाना है। अरे सुनो मेरी बात सुनो। ओए कीड़े तू कौन है बे, मार दूंगा तेरे को। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम एक फायर गॉड हो, फटाफट से अपनी फायर की शक्ति से सारी की सारी बर्फ को पिघला दो। हैं मैं क्यों पिघलाऊं बे? अरे पिघला दो, अगर ऐसी ठंड बढ़ती रहे तो तुम भी पिघल जाओ, तुम भी जम जाओगे। क्या मैं भी जम जाऊंगा क्या? अबे कीड़े मैं नहीं जम सकता। अरे तुम नहीं जमाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, निकलो यहां से। अरे बाप रे तूने मेरे से पंगा लिया, मार दूंगा तेरे को। अरे जल्दी जमाओ मार दूंगा तुम्हारे को। अरे बाप रे गाइस ये पागल हो गया क्या टोनी स्टार्क? गाइस ये तो भाई आए फायर गॉड को मार रहा है। अरे बाप रे गाइस यार ये पागल हो गया क्या टोनी स्टार्क? गाइस इसने तो गाइस हमारे फायर गॉड
गोड को गुस्सा दिला दिया। अरे भागो भागो, अरे फ्रैंकलिन तुम भागो, मैं लड़ लूंगा इससे, इसको गुस्सा आएगा जब ये पूरे ब्रह्मांड की गर्मी पिघलाएगा, मतलब बर्फ पिघलाएगा। अरे बाप रे गाइस, ये तो पागल हो गया क्या? टोनी स्टार्क ने गाइस अपनी जान को खतरे में डाल दिया और भाग रहा है भाई। अरे भाग 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 गाइस, यार पता नहीं क्या होगा, आपको क्या लगता है? ओ बाप रे गाइस, इसने तो भाई इसको गिरा दिया एक एक गुस्से में। अरे बाप रे भाई, ये तो गाइस काफी ज्यादा विशाल है। ओ बाप रे गाइस, यार हमारा आयरनमैन भी टक्कर की लड़ाई ले रहा है और देख रहे हो गाइस कैसे मार रहा पायरेट गोट को। अरे निकल यहां से। अरे तू कीड़े, तू मारेगा मुझे। अरे बाप रे, अरे कितना गलत मार रहा है। अरे बाप रे गिरा दिया। अरे अरे बाप रे गाइस, यार देख रहे हो क्या मार रहा है हमारा आयरन मैन। अरे बाप रे, अरे तुम पिघलाते हो, नहीं पिघलाते, नहीं पिघलाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अबे क्या, तू मुझे मारेगा? निकल यहां से, मार दूंगा तेरे को। ओ बाप रे गाइस, यार अबे मार मार मार, निकल यहां से। अरे गाइस, यार हमारा जो आयरन मैन है वो भी बराबर लड़ रहा है, निकल यहां से। अरे बाप रे गाइस, आपको क्या लगता है, आयरन मैन जीतेगा या फिर फायर गोट जीतेगा? अरे गाइस ये कहां हो गया? ओ बाप रे गाइस, ये तो पीछे से हमला कर रहा है। अरे फ्रैंकलिन तुम भागो यहां से, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, रुको मैं इसको बताता हूं, निकल यहां से, पिघला पूरे की पूरी। अरे बाप रे गाइस, यार अभी पता नहीं क्या होने वाला है। अरे बाप रे मार दिया रे। अरे पिघलाता हूं, रुक जाओ, मारो मत भाई, मारो मत। ओ माय गॉड गाइस, यार चलो फाइनली मान तो गया फायर गॉड। और गाइस, यार अभी अपनी गर्मी से ना पूरे के पूरे लॉस सैंटोस की बर्फ को पिघलाने वाला है और हमारा आइस गॉड वापस खड़ा होने वाला है। ओ बाप रे, देख रहे हो गाइस, ये अपनी गर्मी इसने चालू कर दिया और पूरे लॉस सैंटोस की बर्फ पिघलने वाली है। एक मिनट रुको। अरे हां भाई, रुको, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, ये देखो भाई। और फ्रैंकलिन तुम्हें क्या लगता है, पिघल जाएगी या फिर नहीं? अरे लो भाई, पिघला दी सारी की सारी बर्फ, मेरे को मत मारना। अरे बाप रे, तुम तो काफी गंदा मार रहे हो। अरे भागो भागो भागो, ये लोग और मारेंगे। अरे बाप रे भाई, यार देख रहा आयरन मैन, इसने तो सारी की सारी बर्फ पिघला दी लॉस सैंटोस की। अरे भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रैंकलिन, लेकिन अभी हमारे को ब्लैक स्टार गोट की शक्तियों को भी चोरी करना है। देख रहे हो पूरे ब्रह्मांड में कितनी गर्मी फैल चुकी है। अरे बाप रे गाइस, यार देख रहे हो जो भी बर्फ थी ना वो पानी में बदल चुकी है। लेकिन गाइस, यार अभी लॉस सैंटोस में ना काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है, क्योंकि गाइस अभी सन गोट को भी हमें ठीक करना पड़ेगा। वैसे हमने आइस गोट को तो ठीक कर ही दिया है। और फ्रैंकलिन, कहां मिलेगा ब्लैक स्टार गोट? अरे वो पर्चे पे उसका एड्रेस तो लिखा नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो काली पहाड़ी पे मिलेगा। अरे क्या, काली पहाड़ी पे? चलो मेरे साथ। अरे बाप रे गाइस, ये क्या, आयरन मैन ने तो फिर मेरे को अपने साथ अटैच कर लिया। और ये कहां लेके जा रहा है मेरे को? अरे हम काली पहाड़ी पे जा रहे हैं और ब्लैक स्टार गोट की शक्ति चुरा के लाएंगे। अबे क्या, काली पहाड़ी पे? अरे भाई मैं गिर गया तो बहुत बड़ी मुसीबत भी हो जाएगी। अरे तुम नहीं गिरोगे, मैंने तुम्हारे को नैनो टेक्नोलॉजी से अटैच कर लिया है, चलो चलो फटाफट चलो। अरे यार आयरन मैन भाई, अभी आराम आराम से चल, मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और मेरे को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है भाई। अरे फ्रैंकलिन तुम डरते क्यों, हम ब्लैक स्टार गोट से उसकी पावर चोरी कर लेंगे। अरे भाई नाचो नाचो नाचो, अरे भाई मजा आ गया, सन गोट तो मरने वाला है, हा हा हा, पूरे लॉस सैंटोस में रात मर जाऊंगा, रात ब्लैक स्टार गोट हूं मैं, देखो अभी से चमक रहा हूं। अरे बाप रे, ये तो ब्लैक स्टार गोट है। अरे हाँ, मैंने बोला था ना तेरे को, यही है ब्लैक स्टार गोट। जल्दी से इसकी वो एलिमेंटल पावर को चुरा लेते हैं और जल्दी से सन गोट के अंदर रख के आते हैं और उसके बाद हमारे सन गोट और आइस गोट भी ठीक हो जाएंगे। और क्या ऐसा करना पड़ेगा क्या? अरे ब्लैक स्टार गोट, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या किया इसने? अबे क्या बोले तुम, तुम्हें शक्ति चाहिए? अबे हलू आएगा किसी को भी मिल जाएगी, चलो निकलो यहाँ से। अबे क्या, अबे भाई दे भाई, यार तुझे पता है ना सन गोट मरने वाला है। अबे तो मैं क्या करूँ, जब तो नाच रहा हूँ, हुल्ले हुल्ला रे, हुल्ले हुल्ले हुल्ले। अरे क्या, नहीं मानोगे तुम, रुको ये लो यहाँ से। अरे बाप रे, क्या कर दिया तुमने? अरे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे क्या, तुम नहीं छोड़ोगे? निकलो यहाँ से, तुम्हें मार दूंगा। अरे भाई यार, ये क्या कर रहा है आयरन मैन? अरे टोनी स्टार्क भाई, तू पागल है क्या? ये क्या कर दिया तूने उसके साथ? अरे फ्रैंकलिन तुम भागो, मैं चली से इसकी शक्तियां लेके भागता हूँ। अरे बाप रे गाइस, ये क्या, टोनी स्टार्क ने शक्तियां तो उठा ली ब्लैक स्टार गोट की, लेकिन गाइस यार ब्लैक स्टार गोट इसको मारने के पीछे पड़ गया। अरे रुक जा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मेरी शक्तियां वापस दे। अरे चलो चलो फटाफट चलो। अरे बाप रे भाई, भाग 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 टोनी स्टार्क, भाग तू। गाइस यार चलो चलो, टोनी स्टार्क शक्ति लेके भाग गया, अभी मैं भी निकलता हूँ। बाकी गाइस यार आप देख सकते हो ब्लैक स्टार गोट कितने ज्यादा गुस्से में आ चुका है। अरे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, वापस आ तू। अरे चलो चलो, मैंने शक्ति तो चुरा ली जाए ऐसे करके, अभी फटाफट चलता हूँ और चल इसे शक्ति सन गोट के मुंह में रखता हूँ। अबे हाँ, जा 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 गाइस यार, चलो इस बार आयरन मैन ने हमारे पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को एक बार फिर बचा लिया, क्योंकि गाइस ये तो एक अवेंजर है ना। अरे भाई यार, बच गए भाई। अरे जल्दी जा जल्दी। अरे हाँ फ्रैंकलिन, जा रहा हूँ चलो 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 फटाफट से एलिमेंटल पावर सन गोट के मुंह में रख देता हूँ। ओहो गाइस यार, लुक एट दिस, हमारे सन और आइस गोट दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। और गाइस यार, जो जो हमें टास्क मिले थे ना, हमने वो भी खत्म कर दिए, उसके बाद ये खड़े हुए हैं। फ्रैंकलिन देख रहे हो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और हमारा लॉस सैंटोस एक बार फिर बच गया। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने लॉस सैंटोस को बचा लिया। अरे हाँ, थैंक यू। अरे हाँ भाई यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया आयरन मैन। गाइस यार, आज तो आयरन मैन ने हमारे पूरे के पूरे लॉस सैंटोस
उसको बचा लिया और पूरा का पूरा गाइस लोसेंटर दोबारा ठीक हो गया है और सारे के सारे जो भी बंदे मरे थे ना वो भी दोबारा ठीक हो गए हैं। और गाइस यार ये खाली बस आपकी वजह से हो पाया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ गाइस बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो गाइस यार अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो फटाफट कमेंट में जाके बताना। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।